अगर मेरे से आज तक दुनिया में 1000 लोगों ने ये पूछी होगी ना, तो मैं मतलब मेरे को गर्मी का मौसम ज्यादा बढ़िया लगा है या सर्दी का, तो मैंने 1000 के 1000 मतलब 1000 बार 1001 बार यही कहा होगा कि सर्दी का मौसम बढ़िया लगा है। पर जब सर्दी का मौसम आवे जब मैंने ठंडे दिन ज्यादा लगे, तो मतलब क्या चाहिए मेरे को जिंदगी से, मेरे को समझ ना आ रहा है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अभी तो इतनी ठंड पड़ने लगी, सुबह सुबह बाथरूम में हाथ धोने पड़े, इतना वो आवे छो। मैंने कहा अरे यार ये पानी काश गर्म होता, रात नहीं गर्म करके सो जाता मैं। मोम आपकी क्या राय है इसके बारे में, सर्दी का मौसम बढ़िया गर्मी का? बेटा जिसका काम चल जाए उसके लिए गर्मी का भी बढ़िया सर्दी का भी बढ़िया। काम चल जाए मतलब हमने तो भाई दोनों टाइम करना ही करना अपना। मम्मी यार की हिम्मत हो भाई, जो मम्मी आप इतनी सुबह उठ जाओ, मानना पड़ेगा, उठ जाओ सारे काम कर लो। और जैसे जिनके बालक छोटे रहे, मेरे से हम छोटे थे, जब ज्यादा दिक्कत होती होगी ना, अब सुबह सुबह स्कूल भेजो ये वो बहुत झंझट रहा है भाई। एनीवेज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। तो भाई जतिन आ रहा है वापसी आज। अरे भाई क्या सीन है, ठंड बढ़ती जा रही है हद से ज्यादा। तो मैंने तो अब मैं मम्मी ने तो दूध लड्डू कह रही, मम्मी यार पर मैं तो दूध लड्डू बंद कर रखा है, डाइट के हिसाब का मैंने अभी लेना चाहिए प्रोटीन। मैंने कह रही इसका खुद का मन है, मैंने नहीं कही। अरे यार मम्मी खा रहे तो मैं देख के मुंह मतलब पसंद तो है ना यार, तो वो हो जाता है कि ओहो एक लड्डू तो ले लूं, पर मैं ना लेऊं ऐसे, अभी कंट्रोल कर लूं ना खाऊं। अरे यार मम्मी इसमें बहुत मीठा घी है, यो कैसी बात कह दिया। मीठा कौन सा हो जो सीधा सीधा वाला ना रहा, चीनी तो है ही। चीनी नहीं है तो फिर खांड। अच्छा खांड डाल रखी है, चलो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, कुछ विचार बनाता हूँ, अगर ना रहा जाएगा तो खाऊंगा और क्या करूंगा फिर। टेस्ट है इतना है, मैंने खाया था यार ये उस दिन थोड़ा सा। बेटा उस दिन बताओ क्या है तेरे में, वो दाल मखाने में वो काला वो लगा रहे ना, पता ना। मैंने मैंने एक दिन खाया था रात में, जिस दिन बने थे ना उसी दिन रात ना आधा सा खाया था, पर वो किरकिराट सी आ गई, मतलब मतलब ऐसा ना जैसे दांतों में जब मिट्टी आ जाए तो वैसा किरकिराट आ जाओ मुंह में, अब भी आ गया मेरे सोच के, पता ना तुम्हें हो या ना हो, मेरे को हो जाए वैसे कई बार, सुन लू या सोच लू ना तो दांतों में से किरकिराट आ जाए, पर जी से खराब हो जाए तो वो होगा था। इस चक्कर में मैंने खाने छोड़ दिए थे, पर आज दोबारा हिम्मत करके एक ट्राई मार के देखता हूँ कैसा है। हिम्मत करके दोबारा आज फिर ट्राई कर रहा हूँ, उस दिन थोड़ा सा पता ना कैसा हुआ था, भगवान देखते हैं। पहले थोड़ा दूध पी लूँ, पहले गला सूखा सूखा सा ना रहेगा। चलो जी मम्मी ठीक है, तो मिलकर अच्छा लगा मेरे लड्डू दोस्त, आगे से मत मिलना। पर मम्मी आ रहा हूँ मैं मैं एक बार जा रहा हूँ गाड़ी धोवा के लाऊंगा, अगर बार बार तक धो जाएगी तो जो वो पानी पानी वाला वो होएगा ना वॉशिंग होती जो, वो वाली करवा के लाऊंगा। क्योंकि जतिन इसका कुछ कह रहा था स्कॉर्पियो पे, पता ना क्या कोटिंग करवानी थी, कुछ रैप करवाना था, पता ना कुछ करवाना था, वो आके वो अपना आप देख लेगा, वो उसका काम है। खैर मैं तो बस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि गंदी बहुत ज्यादा हो रखी है, इतनी ज्यादा गंदी तो मतलब ज्यादा ही गंदी हो रखी है, सुहा ना रही, तो मैं चल करवा लाता हूँ। एक बार बादशाहपुर साइड मेरे को जाना भी है बंटी से मिलने, मैंने शायद एक गलती कर दी, मैंने पतली सी पहन रखी है, बस जो भी यो शर्ट सी और इसके अंदर ये बनियान है बस, अंदर और कुछ भी ना, ठंड लग रही है, और वो वैसे ना कट स्लीव है मतलब बनियान है, तो हाथों पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हवा चल रही है, भगवान बाहर बस धूप निकल रही है अच्छी खासी, और कुछ ना चाहिए। एक तो हमारा ये वाला घर बेकार है यार, इस घर में ना धूप ही ना आवे, पुराने वाले में आए करते बढ़िया। बेचारी गाड़ी की हालत देख लो तुम, ओहो कितनी गंदी, कितनी बेहद गंदी हो रही है, पर इसे अभी चमका के लाता हूँ। दिल को करार आया धूप देख के, मजा आ गया। चलो ठीक है, अब इतना तो है कि मैं कम से कम ठंड में तो ना मरूंगा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि एक बार जाकर ऊपर तक कुछ जर्सी वर्सी सी कुछ जैकेट वैकेट से उठा लूं, पर अब बन जाएगी बात, अभी इतनी कोई आफत ना आ दी। गाड़ी में वैसे हीटर चलाने का भी ऑप्शन है, हीटर चला लो, पर वो गाड़ी वाला जो हीटर है ना वो अजीब सा लगा यार, उसमें मजा ना आवे। गर्मी में एसी चला लो वो चलता है, लेकिन सर्दियों में हीटर चलाना थोड़ा अजीब सा ही लगे। ये हमारी सोसाइटी का मेन रास्ता देख लो, यहाँ पे पानी मैंने दिखाया था ना एक बार कि पानी भर रहा था यहाँ बहुत ज्यादा रोड के बीच है, तो ये कोई पाइप वाइप होगी वो लीक कर रही थी, तो इन्होंने ये तुड़वा दिया पूरा रोड, अब ये दोबारा बनेगा सारा, इतना यहाँ तक दे रखा रास्ता इधर साइड से जाने का, यहाँ तक जाके फिर रोड पे मिल जावा यो भी। जतिन ने बताया था एक बार यहाँ तक यू टर्न लेकर थोड़ी सी आगे चलते ही एक सर्विस स्टेशन है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर वहाँ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने गाँव में ही चल के देखेंगे। कहीं हो तो रही है भाई, यहाँ एक गाड़ी फोम वॉश, भाई फोम वॉश हो जाएगी, हो जाएगी, कितनी देर लगेगी? अभी हो जाएगी इसके बाद, मतलब आधा घंटा एक घंटा कितनी देर होने में? अभी स्टार्ट हो जाएगी 10 मिनट में। नहीं मतलब पूरी कंप्लीट, पूरी कंप्लीट होने में, पूरी कंप्लीट होने, अंदर बाहर से दोनों करनी है, बाहर बाहर से, बाहर 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 से, बाहर बाहर से हो जाएगी 30 मिनट के आसपास। ठीक है, अंदर तो अपनी इतनी कोई खास गंदी हो ना रही,
ठीक है, इतनी कुछ वो दिक्कत ना है। अंदर तो वैसे भी सिस्टम अपना अलग है ताम जाम इसका, तो बाहर बाहर ही करवाने वो करवा लेते हैं। मैं सोच रहा था कि वैसा करवा लूं, पानी पानी मरवा लूं, पर गंदी ज्यादा हो रही है, पानी देना वो मिट्टी हटेगी ना, तो इसको जो फोम वो जैसे मैंने एक बार स्विफ्ट कराई थी ना वैसे ही करवा रहा हूं, इसको भी थोड़ा बढ़िया वाली तो चमक बढ़िया आ जाएगी। अभी इसकी तो मैं हालत दिखा देता हूं, और बाहर से बहुत ज्यादा बुरी हो रखी है। ये देखो भाई साहब, ये अभी तुम्हें बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ इसका, कितनी गंदी हालत हो रही है। मतलब हाथ भी लगा रहा हूँ ना, जब खिड़की भी खोल रहा हूँ तो चिपचिपाहट से आ रही है उसमें, देखना। ये तो खैर बारिश क्यों थी जाए, जो ये टायर की वजह था, जो दो वो निकल जाती है ना कीचड़, ये तो बारिश की वजह, जब बारिश आई थी थोड़ी सी कीचड़ सी हुई थी, जब तो ही गंदी खड़ी है बेचारी, देखना यार। छी वेलकम टू स्कॉर्पियो। अरे मत बोले कर स्कॉर्पियो से ना भाई, कमेंट में मेरे तक गाड़ी सुनवा वे तू यार। चल बेटे लग जा पार्किंग में। झटके तो रोक के मैंने भी। बन तो रही है बात, पर मैं तो अपना बाहर धूप में आगा, क्योंकि जो अंदर जो पानी की वजह से मतलब जैसे फुहारा सा चल रहा है, इसकी वजह से ठंडक हो रही है। मैंने कहा भाई मेरे ठंड बैठ जाएगी, अपना बाहर खड़े होकर धूप सेक लेते हैं थोड़ी देर, हमारे घर में वैसे धूप ना आवे। तुम्हें चमकती हुई दिख रही होगी, लेकिन इसमें ना यहाँ यो डेंट है, ठीक है। अब यो कैसे दिखाऊं, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, अंदाजा लग गया होगा इस जगह पर, ठीक है। अब यो डेंट पता किसने डाला, यो जतिन और पटियाला, ये जब वहाँ पे आ रहे थे मतलब गोवा तक आते टाइम, तब इसके ऊपर चढ़े थे, मतलब वैसे ही चढ़ जाना है, ये खैर नॉर्मल चढ़ते रहे तो जब आया होगा, क्योंकि उसके अलावा मैं कभी चढ़ाना कोई और चढ़ाना, वरना डेंट आता कैसा, मतलब कैसे आदमी है भाई अपनी गाड़ी पर खुद ही डेंट मार रहे, बताओ हद होगी भाई। चढ़ने तो आया होगा ना, और तो किसी चीज़ से तो आना सके ना, चढ़े हैं बता। पटियाला के बोलते तो ना आया होगा, वो चीकू के तो ही आया शायद। भाई साहब गाड़ी में छोटी मोटी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, धुलवाने धुलवाने के अलावा भी अभी भी बहुत सारी चीजें रह रही हैं जो मैंने नोटिस करी हैं। वो एक बार जतिन आ जाओ उस तक बताऊंगा, इसमें दोबारा मतलब इसमें बहुत सारी चीजें करवा के लानी पड़ेंगी, जो कुछ इन्होंने खराब कर दी कुछ अभी ठीक ना हुई है, तो वो थोड़े बहुत चेंजेस है वो बताऊंगा जब वो आ जाएगा तब। अभी बता कोई फायदा ना है, मैं भूल भी जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला देना जब वो आवे। बंटी सेठ ने एक गाड़ी बताई है अभी मेरे तक, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मतलब वो वैसी ना रह कर जैसे छोटे रहे थे बचपन में जब, तो चलाने जाया करते, दो जने बैठ सके ना बंटी उसमें, चार भी बैठ सके उसमें, चार ना है, दो वाली है वो, दो वाली जो चीकू दिखाते मेरे तो वो दो वाली है, तो मतलब अजीब सी है पर वैसा बढ़िया लग रही है, एक नंबर खिलौने वैसे कार्टून टाइप है, पुराने जमाने जैसे, हाँ वैसी सी है। देख लेता हूँ, अगर कहीं आसपास मिल गया पसंद आ गया तो मैं सोच रहा हूँ वो ले आऊँ, फिलहाल के लिए बहुत बढ़िया लग रही थी गाड़ी मैंने जो जतिन ने मेरे दिखाई थी। अब यो कौन सी दिखाएगा पता ना, फिलहाल तो हम थोड़ा सा कुछ खान पीन जा रहे हैं, मैं तो देखूंगा क्या खाऊंगा यार, बंटी तो डाइट खराब करवाएगा मेरी वैसे तो, पर चल खा लेता हूँ कोई बात ना, थोड़ा सा बंटी के साथ खा लूंगा आज, बंटी बड़ा होगा डाटी मूछ आ गई इसका, देखो बताओ कहाँ यो गोदी मूते करता, और आज देख लो कितना बड़ा हो रहा है, बराबर का सो रहा है, मतलब हाइट भी और डाटी मूछ भी बढ़िया भरमल ले रहा है, पर चलो ऐसे ही होए करे, मतलब जो हमारे भी मैं भी अब जैसे छोटा था तो जैसे चाचा बता मैं कई बार पुरानी बात है, मैं मोटरसाइकिल पर जाया करते तो चेप हो जाया करता, आख मैं भी चलूंगा चाचा आपके साथ, तो वे बात सच्ची होएंगी इसका मतलब, नहीं तो मैंने सोचा करता, मैंने कहा यार चेप तो ना होता हूँ मैं, पर होता हूँ बालकपन में रहवे थोड़ा सा ऐसा ही सिस्टम। थैंक यू। अरे भाई ना दोगे क्या सामान आज, दे रहे हैं सर, टाइम लगेगा ना, ऑर्डर पड़ा है ना आपका, तो हो कुछ तो दो, भूख लग रही है यार, दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, प्राइस दे रहा हूँ, ठीक है भाई। भाई मैंने ज्यादा कुछ लिया नहीं है, मैंने लिए बस ये फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, और यो थोड़ी सी सॉस ले रहा हूँ क्योंकि सूखे तो खाने जाएंगे, और आइस टी, आइस टी भाई तो, में भी तो है नहीं, तेरे हैं भाई सारे, हाँ के सारे तेरे हैं, इसके हैं और फिर लक्की हैं, बस तुम दोनों खाओगे, मैं ना खाऊं, मेरे तो थोड़ा सा डाइटिंग चल रही है यार, मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक तो ले लूं, एक, एक उसमें वो ले लेना पनीर रैप अपना, हाँ है इसमें एक तो ले ले, ना भाई ना मैं ना खाऊं, नो चीटिंग, दो और कह रहा ना। चलो अब बंटी को छोड़ दिया है मैंने घर पे, तो अपना थोड़ा सा हुलिया ठीक करवा लेते हैं, मेरे को थोड़ी सी अपने बाल वाल मतलब हेड मसाज लूंगा जहाँ तक है मेरा दिमाग जो घूम रहा है, बाकी एक बार चल के देखते हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ करवाएंगे यार, बटन बंद करने पड़ेंगे, हवा लग मतलब वो चल रही है, हवा सी चल रही है, यहाँ तक खड़ी हुई देखो कितनी बढ़िया लग रही है, अब नहाई धो इसी एक नंबर चमक के साथ, अब पहले इतनी बुरी लग रही थी, अब खुद भी देखने का मन ना कर रहा था, कोई और तो खैर क्या ही देखता, अरे यार मास्क ना देखा मैं, अच्छा सा ना लग रहा है।
भैया जी शक्ल दिखाने लायक तो ना हो रही, पर देख लो कोई बात ना, तुम्हें क्या छुपाऊं अब तुमसे, घर जाकर नहा लूंगा ना, उसके बाद बाल सेट होएंगे, तेल लगवाने के बाद हालत थोड़ी सी ऐसी हो जावे, मतलब अपने आप नहीं चंपू सा फील हो वे इंसान ने, पर कभी कभी ना तेल भी लगाना जरूरी हो करे, इसलिए हफ्ते में 10 दिन में एक बार तो लगा ही लिया करो, वरना सर में ना डैंड्रफ ना वो खुशकी सी हो जाएगा ना, जो पता ना डैंड्रफ ही बोलते होंगे उसे, पर वो हो जावे सफेद सफेद सा हो जाओ थोड़ा थोड़ा सा, मतलब अंदर से स्कैल्प जो रहे वो खराब हो जावे, और तो कुछ ना है। कल वाले ब्लॉग पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे भाई फॉर्च्यूनर ले आओ, कुछ लोग कह रहे भाई थार ले आओ, भाई देखो फॉर्च्यूनर का ये सीन है कि मौसा जी पे है ही फॉर्च्यूनर, जो हम गोवा लेकर गए थे तुमने देखी थी, तो वो अपनी है, वो कभी भी चाहिए हो तो वो ऐसा सही है, मतलब ऐसा ना लगे कि भाई अपने पास नहीं है, फॉर्च्यूनर अपने पास ऑलरेडी है, थार मौसा जी ही लाने का प्लान कर रहे हैं एक और, तो ये दोनों छोड़ के मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मतलब या तो देखते हैं, बताऊंगा जब ही बताऊंगा, अभी पहले ना बताना चाह रहा मैं, अगर प्रोग्राम नहीं बना फिर तुम कहोगे भाई तुमने तो कही थी रेंज रोवर ला रहे हो, पर लाए ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो देखते हैं जैसे फाइनल होगा तो बताऊंगा, पर फॉर्च्यूनर नहीं लाऊंगा और थार भी शायद नहीं लाऊंगा, बाकी देखते हैं कैसे रहेगा भाई। एक बार तो मेरे दिमाग में यो भी आया, मैंने कहा एक स्कॉर्पियो और निकलवा दूँ, ये ब्लैक एक वाइट और दोनों बढ़िया, दोनों पर हवी भी अलग बढ़िया लगेगा, पर ना फिर मैंने सोचा सेम नहीं, और फिर थोड़ा सा कंफर्ट के हिसाब से भी, अब स्कॉर्पियो जैसा होगी तो थार की जरूरत तो है नहीं वैसे मेरे को अभी, तो एक ऐसी हो, एक फैमिली कार होगी, एक जो थोड़ी सी वैसे होगी भाई गुंडागर्दी, मतलब थोड़ी वैसे जो शूट पे काम आ जाएगा या थोड़ी सी वैसी लगे दबंग सी लगे, एक तो सोच रहा हूँ फैमिली कार टाइप कुछ ले लूँ, पर अभी मूड होगा कुछ ना पता, जब लेंगे जब देखेंगे क्या रहता है। सोचो तुम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हो और तुम्हें पता चला तुम्हारे इसका लोअर का जो नाड़ा जो है एक साइड का तो जो लटक रहा, दूसरी साइड का जो ये अंदर घुसा पड़ा है, अब इसे निकालने में तुम्हें और 2-3 मिनट लगेंगे, खराब होएंगे हैं, और तुम बहुत ज़्यादा जल्दी में आओ क्योंकि तुम्हें जिम जाना है, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते, मतलब तुम सांस लेना छोड़ सकते हो लेकिन जिम नहीं छोड़ सकते, उसके चक्कर में उसके बावजूद इतना टाइम लग रहा है फिर मेरे को व्लॉग एडिट करके डालना और सब कुछ करना, यार क्या नाड़े में भी इतना टाइम लगाऊंगा तो कैसे बात बनेगी। एनीवेज गाइस, अगर तुमने यहां तक वीडियो देख रहे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, क्योंकि मैं ये व्लॉग यहीं पर खत्म कर रहा हूं, जिम जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और व्लॉग डालना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, तो दोनों काम करने हैं, तो मैं फटाफट से इसको खत्म करके एडिट करके व्लॉग को अपलोड करके निकलता हूं जिम में, फिर मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, ठीक है। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर अगले व्लॉग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।